अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़िया। वेलकम करता हूं आपको यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक्टारा इंसेक्टिसाइड के बारे में। एक्टारा सिंजेंटा का प्रोडक्ट है और इसमें जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो है थायमेथोक्साम 25% WG। WG मीन्स वाटर डिस्पर्सिबल ग्रेन्यूल्स, मतलब कि ये ग्रेन्यूल्स फॉर्म में होता है। दोस्तों, अगर इसके मोड ऑफ एक्शन की बात करें तो ये एक सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड है और पेस्टिसाइड के नियो निकोटिनाइड ग्रुप से बिलोंग करता है। जब हम एक्टारा का स्प्रे करते हैं तो ये इंसेक्ट्स के, मतलब कि कीड़े के ब्रेन के अंदर एक स्पेसिफिक प्रोटीन के ऊपर अटैक करता है, जिसकी वजह से कीड़ा जो है वो खाना पीना छोड़ देता है और सिर्फ 24 घंटे के अंदर उसकी डेथ हो जाती है। दोस्तों, वैसे तो एक्टारा के बेशुमार एडवांटेज हैं, लेकिन मैं आपके साथ चंद शेयर करता हूँ। जो सबसे पहला एडवांटेज है एक्टारा इंसेक्टिसाइड का, वो ये है कि ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइड है और ये सकिंग, च्यूइंग और सॉइल इंसेक्ट, मतलब कि इन तमाम इंसेक्ट को कंट्रोल करने की सलाहियत रखता है। सकिंग इंसेक्ट मीन्स जो कि सक करते हैं, और जैसे कि एफिड, जैसेड, थ्रिप्स, मिलीबग और दूसरी जो सुंडियाँ वगैरह होती हैं जो कि च्यू करती हैं, पत्तियों को खाती हैं, ये उनको भी कंट्रोल करता है। और जो हमारी ज़मीन, मतलब के सॉइल के अंदर इंसेक्ट पाए जाते हैं, ये उनको भी कंट्रोल करने की सलाहियत रखता है। दोस्तों, इसका जो दूसरा एडवांटेज है, ये आप कह सकते हैं कि बेनिफिट है, वो ये है कि ये मतलब बहुत ही जल्दी पेनिट्रेट कर जाता है लीफ के अंदर। मतलब आपने स्प्रे किया तो बहुत जल्दी ये लीफ के अंदर पेनिट्रेट कर जाएगा और सिर्फ 24 घंटे के अंदर ही इंसेक्ट को ये किल कर देता है। दोस्तों, हम देखते हैं कि आम तौर पे किसी भी इंसेक्टिसाइड से अगर कीड़े नहीं मरते तो हम उसकी डोज बढ़ा देते हैं, लेकिन एक्टारा का ये भी एक एडवांटेज है कि वो लो डोज, मतलब कि बहुत ही मामूली डोज के अंदर इंसेक्ट को कंट्रोल करने की सलाहियत रखता है। दोस्तों, जब आप एक्टारा को किसी भी क्रॉप्स के ऊपर अप्लाई करते हैं तो ये इंसेक्ट्स को, यानी कि कीड़े को डैमेज करने का मौका ही नहीं देता, मतलब कि ये स्प्रे होने के फौरन बाद ही अपना काम करना, अपना जो है असर दिखाना शुरू कर देता है और कीड़ा जो है वो खाना उसी वक्त ही छोड़ देता है और सिर्फ 24 घंटे या उससे पहले उसकी डेथ हो जाती है। दोस्तों, एक्टारा की वैरायटी ऑफ एप्लीकेशन है, यानी कि आप इसको स्प्रे के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं, इसके अलावा इसको सीड ट्रीटमेंट के तौर पर भी और सॉइल के अंदर भी आप किसी भी, मतलब जो है सोल्यूशन बना के डायरेक्ट आप इसकी फ्लडिंग भी कर सकते हैं, मतलब कि ये वैरायटी ऑफ एप्लीकेशन के तौर पर भी एक्टारा इंसेक्टिसाइड को इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, अगर बात करें टारगेट क्रॉप्स की तो हमारी जो मेन क्रॉप्स हैं, यानी कि राइस, इसके अलावा कॉटन, तमाम तरह की वेजिटेबल्स, कॉफ़ी और हमारे ऑर्नामेंटल प्लांट्स, तो इन तमाम के ऊपर एक्टारा को आप यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, अब आते हैं टारगेट पेस्ट, यानी कि कौन कौन से इंसेक्ट्स को, कीड़ों को ये कंट्रोल करने की सलाहियत रखता है। दोस्तों, तकरीबन 100 या इससे भी ज़्यादा ऐसे इंसेक्ट हैं जिनको एक्टारा इंसेक्टिसाइड कंट्रोल करने की सलाहियत रखता है, जिनमें से चंद मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। एफिड, जैसेड, थ्रिप्स, मिलीबग्स, ये कॉमन पेस्ट हैं, मतलब कि तमाम तरह की क्रॉप्स के ऊपर, वेजिटेबल पे या ऑर्नामेंटल प्लांट्स पे इनका अटैक होता रहता है, तो ये इन तमाम को कंट्रोल करने की सलाहियत रखता है। इसके अलावा प्लांट होपर, मैंगो होपर, इसके अलावा अनार बटरफ्लाई, शुगर केन मिलीबग्स और इस तरह के काफ़ी सारे इंसेक्ट्स हैं, च्यूइंग भी, सकिंग भी और सॉइल, मतलब इस तरह के काफ़ी सारे ऐसे इंसेक्ट्स हैं जिनको एक्टारा इंसेक्टिसाइड कंट्रोल करने की सलाहियत रखता है। दोस्तों, एक्टारा सिंजेंटा का बहुत ही फेमस प्रोडक्ट है और वर्ल्ड वाइड बहुत ही ज़्यादा इसको यूज़ किया जाता है, और इसका जैसे मैंने आपको एडवांटेज बताया है कि ये लो डोज में इंसेक्ट को कंट्रोल करने की भी सलाहियत रखता है। दोस्तों, अब आते हैं इसके डोजेज के ऊपर कि इसकी डोज कितनी होनी चाहिए। एक्टारा इंसेक्टिसाइड का 0.5 ग्राम, मतलब कि 0.5 ग्राम, आधा ग्राम आपने 1 लीटर पानी के अंदर जो है डिसॉल्व करना है और उसका स्प्रे कर देना है। मैं एक दफ़ा फिर बताता हूँ कि 0.5 ग्राम, मतलब कि आधा ग्राम आपने एक्टारा इंसेक्टिसाइड का लेना है और 1 लीटर पानी के अंदर डिसॉल्व करके सॉल्यूशन बना के आपको जहाँ भी रिक्वायर्ड है आप इसका स्प्रे करेंगे और ये आपको 100% रिज़ल्ट देगा।
दोस्तों इसके अलावा एक्टारा या किसी भी दूसरे इंसेक्टिसाइड या इंसेक्ट को कंट्रोल करने से रिलेटेड आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है तो आप वो पूछ सकते हैं, आपको उसका आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।